और यहाँ के भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि उस पर क्या लिख रहा था, 3500 रुपये फ़ाइन है। यहाँ के लोग नहीं मनानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं सुबह उठा सीधी मुंह पे आई, इतनी सेक्सी धूप पड़ रही है ना। आज हमारा शायद तीसरा दिन है, हाँ तीसरा ही है। पहले दिन बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा, आंधी चल रही है, बट आज धूप पड़ रही है, क्या पता कल स्नोफॉल भी हो जाए। तो हम लोग पहले प्लान बना रहे थे कि हम लोग मनाली जाएँ, बट जो ये बहुत कैड़ी धूप पड़ी है ना हमारे ऊपर, हमने प्लान अब चौपट कर दिया, हमने कर दिया कि अब यहीं रहेंगे एक दिन और। क्योंकि मनाली में ना जाने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये नीचे पीछे कैफेज होते हैं ना, तो उसमें तो वो लोग बता रहे थे कि भाई मनाली में वो हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, बर्फ़ ज़्यादा है, मतलब कि रिस्की बता रहे थे काफ़ी। जैसे मनाला वही मलाना का बता रहे थे ना, ऐसे ही मनाली का भी बता रहे थे। तो हम लोगों ने पहले तो वो दिखा दी कि चल कोई बात नहीं, अब तो चले जाएंगे, हम तो बड़े बाप के हैं कह के, बट अब हमारी फट चुकी है तो हम नहीं जा रहे, और धूप भी आ गई है तो मज़ा आ गया। अभी हम कहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे भाई? नहीं अभी जाएंगे ना यार। कहाँ पे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं? अरे यार ब्रेकफास्ट करना डिफरेंट होता है। मनाली चल रहे हैं भाई। क्या मनाली चल रहे हैं ब्रो? भाई अभी तो मनाली के लिए डिस्कस कर रहे थे यार। एक मिनट मैं उठा लेता हूँ। यंकी भाई कहाँ जा रहे हैं हम? भाई आज हम लोग कहीं नहीं जा रहे, आज हम यहीं पे रेस्ट करेंगे या फिर रनर ट्रैक के लिए निकल जाएंगे। ट्रैक के लिए कहाँ निकलेंगे भाई? कहीं भी निकल लेंगे यार। मतलब बोला भी तो चाहिए कुछ। वैष्णो देवी चल लेंगे। वैष्णो देवी। तो गाइस हम लोगों ने प्लान बना लिया, वैष्णो देवी जाने का। यहाँ से निकलेंगे हम वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी से लद्दाख, लद्दाख से चाइना, चाइना से म्यांमार। तो वीजा वूजा अप्लाई कर देता हूँ मैं चाइना का, और फिर अब चाइना में मिलते हैं सीधा। ठीक है? ठीक है यंकी भाई? ठीक है भाई। ठीक है, ओके। ओ मैं भूल गया था, समीर का तो पासपोर्ट ही नहीं बन रहा। समीर भाई पहले पासपोर्ट बनवाओ। मेरा फेल पोर्ट बन रखा ना भाई। ये ना एक लेम जोक्स का है ना भाई, बहुत बढ़िया चैनल बनेगा। ठीक है मैं इसको मार के आता हूँ, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ। देखता हूँ आज ब्रेकफास्ट में भाई ऑमलेट खा के छिक चुके हैं हम यार, कुछ अच्छा से खिलवाओ ना आज। मुर्गी बन गए हम। मुर्गी आज क्या मुर्गी खाते हैं भाई? ठीक है। ये भाई पंडित जी हमारे, और इन्होंने आज तक नॉनवेज छुआ भी नहीं, कह रहे मुर्गी खाएंगे भाई। और मैं क्या करूँ यार, अब ऑमलेट और ये ऐसी जगह पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या मिलेगा यहाँ पे? मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ ना पेंगुइन खाया जाए। पेंगुइन खाएंगे गाइस अगर मिला तो, ना मिला तो पोलर बियर भी दैट लेंगे। और भाई यही है ना, कल अपना समीर भाई कह रहा कि कल येटी को खाते हैं, बताओ बहन चो। मतलब है ना कोई भी कुछ भी सोचता है यहाँ पे। भाई कह रहा पेंगुइन खाएंगे, ये कह रहा येटी खाएंगे। मैं थोड़ी देर में कह दूं भाई हमारा सेट हो रखा है, भाई ने दारू वारू पी ली शायद। भाई तुमने दारू तो नहीं पी ली ज्यादा? येटी कह रहा येटी 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 को येटी बजा। येटी कह रहा हूं भाई। कोई बात नहीं भाई की बात तो ध्यान मत देना, भाई थोड़ा सेट है। कोई बात नहीं भाई, होता सब होता है सेट यार। गाइस अभी मिलता हूँ मैं ब्रेकफास्ट पे मिलता हूँ, देखते क्या मिलता आज हमको। कैमरा कैसा हिल रहा? तो गाइज हम लोगों ने उरत तरीबा तो गाइज हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरी वाले रास्ते पे, जो कि है मलाना ट्रैक। क्योंकि इसने बोला हम लोग यार मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? बट मैं तेरे को बता दूँ मेमोरीज क्रिएट नहीं होती, वो खुद बन जाती हैं। अरे तो गाइज हम लोग इसके कहने पे मेमोरीज क्रिएट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है हमारे साथ, कोई पत्थर पुत्थर तो नहीं गिर जाएगा या फिर हम मर जाएंगे भाई। भैया को ना सबने डरा दिया भाई यहाँ के ना, पर हम लड़ रहे हैं किसी तरह यार। यहाँ ना ऊपर देख के चल रहा हूँ ना मैं तो, नीचे कीचड़ है, नीचे का दिख नहीं रहा मुझे। तो गाइस सीन कुछ ऐसा, हम लोग जा रहे थे मलाना, और मलाना के लिए कैसा होता है, तोस से आती है टैक्सी बिरसैनी तक, बिरसैनी के बाद तुम्हें छोड़ती है वो मलाना के वहाँ पे कोई गेट है उस पर, और वहाँ से तुम्हें खुद चढ़ाई करनी पड़ती है 1.5 घंटा, मतलब 2 घंटा एक तरीके से, क्योंकि हम खस्ती लोग हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ मलाना में, भाई ने एक जगह ड्रॉप कर दिया हमको। तो यहाँ पे अब सीन ऐसा है कि हमको कहाँ ट्रैक करना है, जो ट्रैकिंग है ना 2 घंटे की ट्रैकिंग है। अब देखो कहाँ जाना, हमको दिखाता हूँ, रुको देखो। पहाड़ से नीचे ये पहाड़ है, और ये पहाड़ के ऊपर ये दिख रहा है ये गांव। एक मिनट में फोकस कर दूँगा, ये दिख रहा है ये कहाँ है? वहाँ हमको जाना है। और कैसे जाना है? वहाँ पर चढ़ के। कोई बात नहीं, हमने कह दी भाई को चढ़ जाएंगे, पर पता क्या है चढ़ तो जाएंगे, अब उतरना पड़ेगा पहले। देखो
यहाँ तक ये दिख रहा है कितनी दूर है, यहाँ तक उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से वहाँ 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 चढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत जान दिखानी पड़ेगी खस्सी पैरों से, और हम चढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इस ट्रैक में। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ के लोग मैंने सुना थोड़े अलग अलग से हैं, सुपीरियर समझते हैं अपने आप को, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है, और भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब हम चढ़ने जा रहे हैं, तो हम मिलते हैं सीधा चढ़ाई पर। तो गाइज इस चढ़ाई के बीच में हम लोग रुक गए, क्यों? क्योंकि एक भाई की पैर कांपने लग गए थे, और हमारी जुबान कांप रही है, अलग बात है। तो हम लोग अभी रहेंगे रेस्ट। भाई गर्मी बन रही है बहुत ज़्यादा शरीर में, यहाँ पे ना धूप इतनी हो रही है, अभी मेरे को जैकेट वैकेट उतारनी पड़ेगी, बहुत सारा सामान पैर रखा था मैंने, बट अब मैंने उतार दिया। तो अब हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से 1.25 घंटा दूर, मतलब वो बोलते हैं कि यहाँ का जो लोकल बंदा है वो मलाना में, वहाँ से जहाँ से हम आए वहाँ से लेके वो अपने गाँव में पहुँच जाता 25 मिनट में, जो कि है 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पहाड़ पर ऊँचाई पे ऐसे। तो लोकल बंदे तो नहीं है हम ओरिजिनल बंदे हैं, तो हम लोग, हमको लगेगा 45 से 1 घंटा, तो 1 घंटे में शायद हम कवर कर जाए, क्योंकि हमको वापस भी आना है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे होटल्स नहीं है, और हम रात को पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा पूरा, मतलब अभी दिखाऊंगा पीछे दिख रहा है, आप सोच रहे हैं अंधेरा हो जाएगा तो कितनी गांड फटेगी, तो इसलिए हम वापस आएंगे दिन में ही, कोशिश करेंगे कि रात ना हो, पहुँच के अपनी टैक्सी पकड़ के वापस अपने दोस्त, और फिर मारेंगे अपने इन्जॉय एक दिन और फिर अपने घर। तो अभी करता हूँ मैं आगे ट्रैकिंग चालू। इसके तेरा पैर हो गया ठीक है? मेरा पैर ना हुआ ठीक, कांप रहा है मेरा पैर। इसका पैर कांप रहा है, इसके पैर भारी हो रहे हैं, तो इसका भी इलाज कराते हैं अभी। ठीक है भाई, आ रहा हूँ अभी, ऊपर बाबा मिल गया। यस, बाबा को भी चिलम फुकाएंगे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं मलाना में, आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। भाई नॉर्मल सा एक गांव है, कभी तो मैं लगता हूँ बहुत हवा बन रखा है, ठीक है। ये पहाड़ों के बीच में एक गांव है छोटा सा, और यहाँ के भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि उस पर क्या लिख रहा था, 3500 रुपये फाइन है। यहाँ के लोग नहीं मना नहीं। तो गाइस कल हमको मलाना वाला व्लॉग रोकना पड़ गया, क्योंकि आपने देखा था पीछे बैठा था जो बंदा, कि वो मना कर रहा था कि भाई यहाँ पे फोटो वोटो मत लो, और वहाँ पे ना कुछ रूल्स हैं, जो अगर कोई तुम लोग मलाना जाओ ना तो मैं बताता हूँ पहले रूल्स क्या है और वहाँ के लोग कैसे हैं। हमने तो सामने से देखे हैं भाई, वहाँ पे एक मंदिर है पुराना, जो चाइनीज वाइनीज के होते हैं ना ऐसे टेढ़े से निकले होते हैं, वैसा सा मंदिर है, दो हैं शायद वे, मतलब एक मंदिर है एक वैसा सा दिखता सेम उसका फर्स्ट कॉपी उसकी, तो उसको टच नहीं करना। और वहाँ के जो अभी एक और छोटी चीज़ बताऊँ, वहाँ के जो फूल पत्ते हैं ना उनको ऐसे पकड़ के रगड़ना भी नहीं है, समझ लो कती छुआ छूत की बीमारी हो जाएगी ऐसे टाइप का, कि टच नहीं करना किसी भी चीज़ को। और वहाँ के लोगों को तो तुम भूल जाओ, अगर किसी को तुमने टच कर दिया तो भाई तुम्हारे ऊपर ठुक जाएगा फाइन। और दूसरी बात, अगर तुमने वहाँ पे किसी लड़की को टच कर दिया तो तुमने करनी पड़ेगी उससे शादी, मतलब ऐसा सुना है मैंने। मैं सोच गया था सच बताऊँ तो, मैं सोच गया था मैं चल कोई छोरछारी टच हो जाएगी तो ब्याह भी कर लेंगे, बट स्टिल टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ की छोरी ऐसी, मैं मत समझना कि वो कह रहे हो कि लड़कियों को बुरा बता रहे हो, वैसे बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ अगर तुम ये बता रहे हो कि हम इतना ऊपर हैं तो उतने ऊपर वाली बात भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी नुई डोल रहे हैं ऐसे, क्या ही बोलूं मैं इसकी जैसी तो छोरी थी वहाँ, तो किस तरह ब्याह करें। तो हमने तो भाई अपने हाथ जेब में डाल के मां का चलो। और वहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम ज़्यादा भोले हो तो वहाँ के लोग ना पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, जानबूझ के टच होने की कोशिश करते हैं, तो अगर तुम जाओ तो भाई सावधान रहना। और वैसे सच बताऊँ ना, मैं ना गूगल पे देखता था, मैं कहा मलाना विलेज ऐसा है, मेरा वो था एक कि यार यहाँ पे तो जाना ही है मेरे को, और मैं इस बार आ भी गया था, मैं कहा चलो चल देते हैं, आज हम फिर जा रहे हैं। बट वैसे बता रहा हूँ मैं, इतना कुछ नहीं है, तो उस बढ़िया है मलाना से बहुत अच्छा, वहाँ गाँव है, और गाँव भी कहते हो रखे ना बदमाशों वाला एरिया होता है, छोटे छोटे घर 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 घर, और ऊपर तक कहीं फायरिंग कर रहा कोई स्नाइपर लगा के बैठा, उसके घुसते डर गए हम कि गैंगस्टर्स के एरिया में आ गया भाई, बड़ा कूड़ा ही कूड़ा पड़ा वहाँ पे यार। यहाँ माउंटेन्स पे आओ तो भाई कूड़ा वूडा मत फैलाया करो, वहाँ पे तो इतनी ऊपर था कि बहुत कम लोग पहुँच पाए तब भी इतना कूड़ा मैं देख रहा, मैं कहा यार कूड़ा कौन फैलाता, फिर पब्लिक कोई लेस खा रही है, लेस फेंक रहा कोई, कुछ फेंक रहा कोई, कुछ फेंक रहा, भाई यार तुम जाओ माउंटेन्स पे तो प्लीज़ नेचर में थोड़ी सी चीज़ रह रही है उसको बख्श देना, और कूड़ा कचरा मत फैलाया करो, अपने घर भी मत फैलाया करो सच बताऊँ तो वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि हमको पोल्यूशन से बचने के लिए वहाँ की बजाय यहाँ ना आना पड़े, समझ रहे हो। तो अब मिलते हैं, अब हम दोबारा मलाना जा रहे हैं, मैं तो मेरे काफ में दर्द हो रहा है यार, लेफ्ट वाली में तो जा रहा तू? मैं नहीं जा रहा भाई, तो मेरा पूरा काफ, मेरे हाथ पैर सब दर्द हो रहा है भाई, ये पैरालाइज्ड हो गया है, मैं पैरालाइज्ड हो गया हूं, पैराग्लाइडिंग हो गया हूं। ठीक है, तो भाई अभी जाएंगे, वैसे प्लान बना रहे हैं कि हम लोग मलाना दोबारा जा रहे हैं, हमारा एक काम है वहाँ पे।
तो गाइज हम लोग आ रखे थे यहाँ कसोल में क्योंकि मलाना का काम हमारा ख़त्म हो गया था। हमेशा से यार मेरा मन रहता था कि अगर मैं तोस जाऊँ तो मलाना का ट्रैक भी करूँ, देखना था, मतलब होती है ना एक्सपीरियंस करनी चीज़ें, हमारे मन में भी होंगी बहुत सारी चीज़ें कि मैं एक्सपीरियंस करूँ। अब मेरे मन में था मैंने मलाना कर लिया, अब मेरे को कसोल जाना था, कसोल कभी नहीं आया मैं तो कसोल में पहली बार आया हूँ। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ना एक नदी है, उस नदी के पास बैठ के हमने खाना पीना खाना, मतलब ये सब लोगों ने प्लान बनाया, तो अभी उस नदी के पास जाते हैं। वैसे नदी के पास आ ही गया, आवाज़ आ रही होगी तुम लोगों को, बस उधर जाना है एक बार पीछे और अभी लेके चलता हूँ, आ जाओ। गाइस कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो यार मैं तीन बैटरी थी तीनों ना पता गाड़ी कैसे रहेगी, चार्ज ना हो पाई। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं कसोल से, अब हमारी बस है 6:30 बजे की, अपने घर जा रहे हैं, मतलब कि मैं तो गुड़गांव जा रहा हूँ, ये भाई जाएगा दिल्ली, उसके बाद ये भाई ऋषिकेश जाएगा। दो ट्रिप एक साथ, मजा बांध दिया भाई, नहीं बांधा एक नंबर। तो अब मिलते हैं सीधा, अभी बस मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, एक बार सामान वामान ले लूँ। तो गाइज अभी मिलते हैं, सब चीज़ पैक वैक करके अपने घर मिलते हैं, काम करते हैं, ठीक है।